जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, घर में शिव जी की प्रतिमा कैसी हो। घर में यदि शिव जी की प्रतिमा ऐसी हो तो बनी रहती है सुख शांति, और जो चाहो वो भी मिलता रहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। घर में यदि शिव जी की प्रतिमा ऐसी हो तो बनी रहती है सुख शांति, और मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। वास्तु शास्त्र तंत्र में आपके जीवन से जुड़ी हर चीज के बारे में बारीकी से बताया गया है। इसी प्रकार से देवी देवताओं की प्रतिमा को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं, इस बारे में भी खास तौर पर बताया गया है। कई लोग अपने घर में भगवान शिव की स्टैचू, नटराज की मूर्ति आदि लगाने का शौक रखते हैं। इन सभी प्रतिमाओं को लगाने के लिए कुछ बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि हमें शुभ का फल मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि किस दिशा में लगाएं शिव जी की प्रतिमा। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में है, इसलिए उत्तर दिशा को इनकी प्रिय दिशा माना जाता है। इससे वास्तु में भी शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर को उत्तर दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस दिशा में शिव प्रतिमा लगाने से आपके परिवार में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। आगे, ऐसी तस्वीर लगाना शुभ। अपने घर को आपको शिव जी की ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वह प्रसन्न मुद्रा में और ध्यान की मुद्रा में बैठे हों। नंदी बैल को भगवान शिव की सवारी माना गया है, इसलिए नंदी पर बैठे शिव जी की प्रतिमा लगानी ही शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि ऐसी तस्वीर आपको सदैव आत्मिक शांति का एहसास करवाती है, परिवार के सदस्यों में प्यार बना रहता है। इस बात का रखें ध्यान, भगवान शिव की मूर्ति जिस भी दिशा में लगा रहे हैं उस दिशा में सफाई का बेहद ध्यान रखने की जरूरत होती है। जिस दीवार पर भी तस्वीर लगाएं उस दीवार पर धूल न जमने दें, अन्यथा आपको इसके विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। बेहद शुभ मानी जाती है शिव जी की ऐसी प्रतिमा। वास्तु के अनुसार परिवार के साथ बैठे शिव जी की प्रतिमा को बेहद शुभ माना जाता है, मगर इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पर देने की जरूरत है कि इस प्रतिमा में शिव जी खड़ी हुई अवस्था में ना हो। इस प्रतिमा में शिव जी, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और गणेश जी हो तो ऐसी प्रतिमा घर में लगाने से परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती हैं और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसी मूर्ति घर में ना रखें। कुछ लोगों को भगवान शिव की नटराज स्वरूप वाली प्रतिमा से खास लगाव होता है, विशेषकर कला और संगीत जगत से जुड़े लोग इस प्रकार की मूर्ति को अपने घर में सजाते हैं। आपको बता दें कि घर में इस प्रकार की मूर्ति को लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप संगीत और कला से जुड़े हैं तो आप चाहे तो अपने प्रतिष्ठा स्थान में इस प्रकार की मूर्ति को लगा सकते हैं। तांडव को दर्शाता है शिव जी का यह रूप। नटराज रूप में शिव जी की प्रतिमा का स्वरूप तांडव को दर्शाता है, वही शिव जी का तांडव रूप विनाश को दर्शाता है। मान्यता है कि जब शिव जी को क्रोध आता है तो वह तांडव करते हैं, इससे घर में क्रोध वाली तस्वीर या प्रतिमा को लगाना अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी में आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।